जी हजरत मियाँ गुलाम कासम साहब रहमतुल्लाह अलैह को उलमा की तकरीर सुनो तो ये ठीक ही गल करें, लेकिन बाद चीजों पर मैंने एतराज भी है। हूँ पार दरबार पर थो तो गालबन चश्ती साहब को खिताब जारी थी, इनने क्यों जी के एक कोई मतलब लेगा नहीं आना चाहिए, लालच नाल नहीं आना चाहिए। हूँ सुनो तो जिला तो मैंने क्यों गल इलेक्शन को दौर है तो सियासतदान टुरे तो लोगों ने इकट्ठा करने का क्या और कुछ नहीं मुंह दसा वे सियासतदान वे वे जड़ा छपिया रहे अलमा भी एक जहा नहीं तो सियासतदान भी एक जहा नहीं या हर आदमी में फर्क पै एक रस्सी नाल तो मौलवी सारा ने ना क्या करना तो यह गल जो मैं सुनी तो मैं और दवा मंगी के तो फैज का खजाना है, हम मंगता हम मंगन आया मंगांगा और उन अल्लाह ने फैज दितो वह उस फैज विचो मारो हिस्सो वे हमना दे और वो ऐदा बना कहूंगा कोई देख के आया वो अपना बच्चा वो फैज लेगा आया वो बार जे तक इस खानदान की तलक है अगो तलक है हजरत मियां जमाल साहब तू लेगा मेरे ख्याल है इनकी यह दसवीं पीढ़ी है। मियां जमाल साहब तू लेगा अगर बटकरेड शरीफ का उस औलिया का कब्रस्तान वहां जागा उसकी कहानी सुनो उस एक एक अल्लाह को मर्द दफन है वली अल्लाह दफन है के एक बूटा वरों एक कऊ को बूटो थो एक भरा ने कह मेरो है मियां गफूर साहब था दूजा ने कह नहीं मेरो है एक फोत हो गया कबर उत बन गई तो सुबह कबर पर थी तो बूटो बूटा की जगह उनकी खाली थी और भी बेशुमार ये जो दरिया है गड़ी तो पटा तो गड़े भी उबला लो तो मोहतरम दरिया किनार आजी साहब जो फोत होया आजी बाबा तो उस वक्त बरसात को मौसम थो दरिया चढ़े हुआ कोई पुल नहीं थो वे रारला पासा था उनने क्यों गड़ी का राजा ने क्यों जी के तम अगर इजाज दें तो थारो मजार बनाओ उन्होंने क्यों नहीं यहाँ महीना उतना अपना कब्रस्तान वाले जाए उनने क्यों अगर दरिया हो तो क्या करांगा तो हजरत बाबा बाजी साहब ने फरमायो के दरिया को जिले पहुंचा तो उसने कही दरिया ना के इस मस्कीन को राह दे तो जिले जनाजो लेकर पहुंचा तो दरिया रुक क्यों जा खुश्क हो गई तो वो हजरत बाबा जी साहब को जस देखा क्यों तो पार निकल तो बेशमार करामात है। बाजी अलफदीन साहब की गल करें था जाओ इस दरिया नीलम ना पूछो यो आवाज क्यों नहीं देतो इसको पतो है तबना नहीं पतो तो हूं दसूंगा। बकरी लेकर जा रहा था बाजी अलफदीन साहब ग्रेस तो दरिया बेशुमार थो ना जड़ा बंदा था उन्हें क्यों भाई साहब इतना नहीं पार चढ़ सकता उन्हें क्यों चढ़ जा उन्हें क्यों रुक जा दरिया जेलम रुक क्यों नीलम जिसना के रुक गयो पारों जिले चढ़ गया तो क्यों जा जी थोड़ी मर्जी का शोर ना करिए भगतो जा तो शोर ना करिए तब तो हराबाद जाता रहना कदे दरिया जेलम को शोर सुनियो बेशुमार करामात और यो सिलसिलो ये तो चलियो मियां जमाल साहब को आज तोड़ी मुख्तलिफ जगह पर के बालाकोट तू कश्मीर वहां भेजा गया के इस एरिया को फैज उनको इस वास्ते अल्लाह
उनका फैज अजाफो करे। एक और मौलाना साहब ने गल की, मौलाना साहब तमने क्यों ना कह बली वो है जिसकी कबर चिड़ी चिमटिया चिमटो लगे पतो है मोना साहब का मजाक करे, वो हर मोमन ना पतो है। वली वो है जड़ो चिमटी ना चिमटो बना छोड़ा था, चिमटा ना चिमटी बना दस छोड़ो के वो सामने जेड़ो खड़ो है बंदो ते यो कालो है चिटो है यो मुझे दस सकू। वली वो है जो काला ने चिटो कर छोड़ा है चिटा ने कालो कर, खाली किसी को वो दसनो जो है ना वो तो कोई भी दस सके। इलम दो किस्म है, रूहानी इलम और शैतानी इलम। इस दीवार का परला पसा क्या है, शैतानी इलम की भी उतनी दो स्पीड है जितनी रूहानी इलम की है। इस कनात का परला पासा क्या है, यो तो शैतानी इलम वाला विदा छोड़ा, लेकिन इस कनात का परला पासा करनो क्या है, यो सिर्फ बली अल्लाह कर सके, अल्लाह को यो अख्तियार अल्लाह का बलिया को है। अल्लाह करे यो सिलसिलो कायम दायम रहे और इंशाल्लाह यो फैज क्यामत तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। लेन आला बना आंदा है, मारी नीयत ठीक वैत है, नीयत अगर ठीक वै आकड़ का नहीं क्या मंगन नहीं आया, मंगन नहीं आया तो के लेना आया, हाँ मंगन नहीं आया क्योंकि हमने मंगनो है और अल्लाह का बलिया ने देना है। उन कोले कोटो है तो होर भी ले ले तो लियो भी पहले। इस वास्ते अकीदा मजबूत रखो, इस सिलसिला नाल अपनो ताल्लुक मजबूत रखो, नीयत ठीक रखो तो इंशाल्लाह इतो इस 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 नस्ल चो इस खानवादा विचो को खाली नहीं जातो अगर नीयत ठीक ना। अल्लाह ताला इस हाफिज अब्दुल रहमान साहब ये तो भाई साहब जो बैठा हुए आमना उसे नज़र नाल हमने देखना है जिस नज़र नाल हम भाजी साहब ने देखा, ठीक है। औलाद जिस तरह की वह ना तो माँ बाप ने बड़ी प्यारी है, तो हमारी नीयत इन बार खराब है तो भाजी साहब ने तुम जाने चंगी तरह। ये जड़ा कहना पगड़ा में नहीं था, पगड़ा में उसने नहीं था, जड़ो अंदरों डोले हो वह जड़ो अंदरों ने डोला है उसने आप पकड़े था आइया। तो बाकी जेड़ी मेरा वर बीती भी है ना वह एक शेर में सुना गया था मना था जात चाहूंगा, वली अल्लाह दे मोड़ लेंदे ने गोली गई बंदूकों, वली अल्लाह दे मोड़ लेंदे ने गोली गई बंदूकों, अगले वो मेरा वो ऐसे आगे हालात के अगले शहर ही भूल गए तम दसो जी। वली अल्लाह दे मोड़ लेने दे गोली गई बंदूकों, पल अंदर हो मोड़ लेंदे ने क्या दूरों क्या नजदीकों, ते मेरा अंदरों जागा मोड़ी भी है वलिया ने अपनी बीती दसूंगा ते ईमान ते अकीदो मजबूत रखो ते अल्लाह का वली जड़ा है वे अल्लाह का मकरब लोग हैं, अल्लाह का दोस्त जड़ा है, अल्लाह का पसंदीदा जड़ा है, उनकी हाथ जबान खुदा की हाथ जबान बन जाए। बहुत मेहरबानी बहुत।